दोस्तों, यदि आप भी कोई ऐसी रेमेडी ढूंढ रहे हैं जो कि आपके हेयर फॉल को तुरंत ही कम कर दे, सफ़ेद बालों को जड़ से काला बनाए और बालों के टूटने को रोक दे, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही रेमेडी लेकर आई हूं दोस्तों, जो कि आपके झड़ते हुए बालों पर तुरंत ही रोक लगाएगी। इस वीडियो में मैं दो अलग अलग तरीके बताऊंगी आंवले का इस्तेमाल करने का, कि जब भी आप लोग तेल लगाएं तो आपको तेल किस तरह से लगाना है, जब भी आप लोग हेयर वॉश करें तो आपको हेयर वॉश किस तरीके से करना है, ताकि प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की समस्या बिल्कुल ही दूर हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आंवले का। आंवला जो होता है दोस्तों, विटामिन सी से भरपूर होता है, हमारे सेहत और सौंदर्य दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। एक आंवला हमें डेली खाना चाहिए। 100 बीमारियों की एक दवा है आंवला। आप चाहें तो आंवले का इस्तेमाल, आंवले को बारीक बारीक टुकड़ों में काट कर कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो आंवले को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके भी आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने समय से ही आंवले का इस्तेमाल बालों के लिए, सेहत के लिए किया आता जा रहा है, बालों को काला करने के लिए, बालों को घना करने के लिए और बालों को लंबा करने के लिए इस चमत्कारिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया आता जा रहा है। आज भी हम लोग आंवले का इस्तेमाल हमेशा सबसे ज़्यादा करते हैं। ये इतना फ़ायदेमंद होता है दोस्तों, आंवला खाएंगे ना आप देखेंगे आपके चेहरे पर जो ग्लो आएगा, जो निखार आएगा ना दोस्तों, आपकी त्वचा में जो चमक आएगी, फोड़े, फुंसी, मुहासे, एक्ने, ये सारी समस्याएँ दूर होंगी। साथ ही साथ यदि मेरे बताए तरीके से आंवले को इस तरह से बालों पर लगाएंगे ना, आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा, प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की समस्या बिल्कुल ही समाप्त होगी। यहाँ पर आंवले को ग्रेटर की मदद से मैं इस तरह से ग्रेट कर रही हूँ, ये देखिए। और आंवला जो होता है दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। जब हम स्कैल्प पर आंवले का रस लगाते हैं तो ये हमारे सिर की त्वचा को, हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। डैंड्रफ, रूसी जू, लीख की समस्या को दूर करता है आंवले का रस। कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाया जाता है, आपको इसको तेल के साथ मिलाकर ही लगाना है। कैसे लगाना है अभी बताती हूँ। दो आंवले को मैंने यहाँ ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है, और तेल आप अपने पसंद का कोई सा भी ले सकते हैं। जो भी तेल आप लोग लगाते हैं, आप ऑलिव ऑयल लगाते हैं, आप नारियल का तेल लगाते हैं, आप सरसों का तेल लगाते हैं, बस इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी वाले, बहुत ज़्यादा रंग वाले, खुशबू वाले तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। यही चीज़ें तो हैं दोस्तों जो प्रिजर्वेटिव केमिकल की चीज़ें हैं, यही तो हमारे बालों को ख़राब करती हैं। जितना हो सके प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना, तो लंबे समय तक आपके बाल अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, बाल टूटने की समस्या बिल्कुल भी नहीं होने पाएगी। आंवला जो होता है हमारे स्कैल्प पर जाकर ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है। देख सकते हैं मैंने आंवले को दो तरीके से यूज़ करना बताया है, बारीक टुकड़ों में काट कर इस्तेमाल करें, ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर के इस्तेमाल करें, जो तरीका आपको अच्छा लगे, और एक आंवले को खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आंवले का सबसे पहले आपको रस निकालना है, आप चाहें तो छन्नी से छान कर निकाल सकते हैं, मैंने छन्नी का इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़ा सा तो ही आंवला था, मैंने अपने हाथों से ही ऐसे दबा लिया। ये देखिए करीब करीब 3 चम्मच ये आंवले का जूस बिल्कुल रेडी है, ये हमारा शुद्ध आंवले का रस है दोस्तों, जो प्लेट में रखा है, ये देखिए। बाकी सूखे आंवले को रख दिया है, आप चाहें तो नमक डालकर खा सकते हैं उसे आंवले को, ये हमारा शुद्ध आंवले का रस है। जब भी बालों में तेल लगाएं, सप्ताह में 2 बार आपको मेरे बताए तरीके से तेल लगाना है, इस तरह से रात भर इस तेल को लगा कर रखें। 2 चम्मच आंवले का जूस, आंवले का शुद्ध रस है, बाजार वाले केमिकल वाले आंवले के रस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, शुद्ध आंवले का रस लेना है। इसमें मैंने 2 बड़ा चम्मच भरकर सरसों का तेल मिलाया है, आप यहाँ सरसों तेल की जगह नारियल तेल, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसमें 1 विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल भी डाल सकते हैं। इस तेल को बालों की जड़ों पर लगाएं, रात भर लगा कर रखें, सुबह आप लोग चाहें तो हेयर वॉश कर सकते हैं। सप्ताह में 2 बार आपको आंवला का रस और सरसों तेल दोनों को आपस में मिलाकर इस तरह से बालों पर ऑयलिंग करना है, बालों पर तेल भी लगेगा, आपके हेयर सेल को इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आंवला तो पोषक तत्वों का भंडार है दोस्तों, इतने सारे विटामिन और मिनरल होते हैं आंवले में,
आपके बालों की जड़ें जब मजबूत होंगी, स्ट्रांग होंगी, तो उनका गिरना बिल्कुल ही रुकेगा और बालों में बहुत अच्छी शाइन आएगी। एक कॉटन लिया है, रुई लिया है, आप चाहें तो रुई की मदद से इस तेल को लगा सकते हैं या फिर अपने उंगलियों की मदद से भी आप मसाज करते हुए पूरे स्कैल्प पर इस तेल को लगाना है। अब दूसरा तरीका आंवले का यूज़ करना, जिसके लिए मैं बताऊंगी एक बेहतरीन हेयर डाई बनाना। आंवले को बारीक टुकड़ों में काट लिया है, रात भर एक गिलास पानी में इन आंवले के टुकड़ों को भिगा कर रखें। सुबह उठकर या रात को ही आप एक लोहे के बर्तन में इसे शिफ्ट कर दें। अभी तो मैंने एक कांच के बर्तन में आपको दिखा दिया है कि आंवला, एक गिलास पानी, लोहे के बर्तन में हेयर डाई हमारा बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने क्या किया था दोस्तों, लोहे की कढ़ाई में उसी आंवले के पानी और आंवले के टुकड़ों को रात भर भिगा दिया था, थोड़ा सा पानी को उबाल लिया था और ऐसे ही छोड़ दिया था। लोहे के बर्तन में आंवला अपने डाई को बहुत अच्छा रिलीज करता है, बालों को काला रंग देगा ये आंवले का हेयर डाई। ये देखिए, ये आंवले की फांके हैं, छानने के बाद इस्तेमाल करना है। इस हेयर डाई का इस्तेमाल आपको नहाने से पहले करना है। नहाने से एक घंटा पहले इस हेयर डाई, आधा घंटा पहले लगा लें, ठंड का मौसम है आप एक घंटे नहीं रख पाएंगे, आधे घंटे पहले इस हेयर डाई को पूरे बालों की लंबाई में, बालों की जड़ों पर लगाना है। छानने के बाद एक छन्नी ले ली है ताकि ऊपर ऊपर से जो भी आंवले के टुकड़े हैं, मैंने आंवले के टुकड़े और जो कद्दूकस किया हुआ आंवले का चूरा बचा था ना दोस्तों, जो आपने देखा, उसे ही लोहे के बर्तन में रात भर भिगा दिया था। और ये हमारा लोहे के बर्तन में आंवले का बना हुआ शुद्ध हेयर डाई तैयार है। इसे पूरे बालों की जड़ों और लंबाई पर लगाएं और आधे पौन घंटे बाद पानी से हेयर वॉश करें। शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, प्री मैचर ग्रे हेयर की समस्या दूर होगी। एक कॉटन ले लिया रुई, बस उसकी सहायता से बालों की जड़ों पर और लंबाई पर लगाना है, कमाल का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। नेचुरल चीज़ें जो होती ना 100% वर्क करती हैं, 100% प्योर होती हैं और रिजल्ट भी 100% मिलता है। तो ये हमारा आंवले का शुद्ध हेयर डाई बनकर तैयार है, जिसमें ना मैंने मेहंदी डाला है ना इंडिगो डाला है दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। तो आज मैंने सफ़ेद बालों की समस्या को दूर करने के लिए, आपके बालों के गिरने को रोकने, बालों, कमज़ोर बालों को मजबूत बनाने के लिए दो तरीके बताए हैं। एक तो मैंने तेल लगाने का सही तरीका बताया है आंवले का रस डालकर, दूसरा ये। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब।